नमस्कार दोस्तों, मैं GSP यादव चक्रवर्ती मैथमेटिक्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज, और परसेंटेज में मैंने कुछ क्वेश्चन कराया था। तो आइए दोस्तों, आज से हम शुरू करते हैं। टाइप वाइज जितना भी क्वेश्चन बनेगा परसेंटेज से, सब कराएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन कराए, किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि करने पर तथा इसके हर को 12% कम कर देने पर 15/64 प्राप्त होता है, तो वह भिन्न क्या है। दोस्तों, 10% की वृद्धि कहा है, तो 110/ में कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। और फिर कह रहा है कि 12% कमी, यानी कि हो जाएगा 12% कमी, यानी कि 88, ठीक है। अब कह रहा था कि कर देने पर 15/64 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 15/64। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए अब आगे करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा 11/8, 88, ठीक है। ऊपर बचा है 10, तो यहाँ पर लिखेंगे 10/8 बराबर 15/64। समझते चलिए, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 8 × 8 = 64, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, आपको एक चीज़ करना है, यहाँ पर है 2, यहाँ पर बटे में कुछ नहीं है, तो 1 है बराबर कितना, 3/8। अब यहाँ पर इसको निश्चित कर दीजिए। निश्चित करने का मतलब दोस्तों, इसमें x से गुणा करा दीजिए और इसमें y से गुणा करा दीजिए, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हो जाएगा 16x बराबर 3y, ठीक है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, जब दो निश्चित राशि आपस में बराबर के रूप में दिया हो रहा है, उसको हम पलट के लिखेंगे। तो पलट के लिखेंगे दोस्तों, तो x का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं x का वैल्यू हो जाएगा आपका 3 और y का वैल्यू हो जाएगा आपका 16। तो हम कह सकते हैं कि इसलिए भिन्न बराबर x बटे वाई, जहाँ x का वैल्यू दिया है दोस्तों 3 और y का वैल्यू दिया है 16, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, दो नंबर क्वेश्चन देखा जाए। दो नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि, 25% वृद्धि यानी 125, और क्वेश्चन में कह रहा है कि हर दोगुना कर दिया जाए, यानी कि 100 से मान लीजिए 2 दोगुना हो गया, 200 हो गया, बराबर कितना, ये हो गया आपका 5/9, ठीक है दोस्तों। ये काट दिया जाए तो ये हो जाएगा 25, 5 = 125, 25 = 200, इधर हो जाएगा आपका 5/8 बराबर 5/9। निश्चित कर दीजिए, यानी कि इसमें x से और इसमें y से, ठीक है दोस्तों। ये तो फिर कट जाएगा, 5 कट जाएगा, इधर हो जाएगा 9x बराबर 8y। जब दो निश्चित राशि आपस में बराबर के रूप में दी हुई रहे, तो उसको दोस्तों क्या करते हैं, पलट के लिखते हैं, यानी x का वैल्यू हो जाएगा 8 और y का वैल्यू हो जाएगा 9। इसलिए भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए भिन्न बराबर x/y, तो x का वैल्यू दिया है 8, y का वैल्यू दिया है 9, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो दोस्तों चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। तो तीन नंबर क्वेश्चन देखिए, तीन नंबर दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है, तीन नंबर, एक भिन्न के अंश में 220% वृद्धि, 220% वृद्धि यानी 100 में 220 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 320 बटे में, और 150% वृद्धि यानी 100 में 150 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 250 बराबर। कह रहा है कि परिणामी भिन्न 4/5 हो जाता है, 4/5 यहाँ पर हम लिख दिए, ठीक है दोस्तों। 100 से 100 कटा दिए, 4 × 8 = 32 कटा दिए, फिर 5 × 5 = 25 कटा दिए, इधर दोस्तों क्या बचा, 8/5 बराबर 1/1, तो इधर हो जाएगा, निश्चित कर दीजिए x और ये y, तो 8x बराबर हो जाएगा 5y। जब दो निश्चित राशि आपस में बराबर के रूप में दी हुई रहे, उसको पलट के लिखते हैं, तो x अनुपात y यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों, x का वैल्यू आ गया 5 और y का वैल्यू आ गया आपका 8, इसलिए भिन्न बराबर x/y, तो भिन्न हो जाएगा 5/8। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए दोस्तों, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक भिन्न के अंश में 200% वृद्धि, तो 100 में 200 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 300। चलिए आगे, हर में 400% की वृद्धि, तो 100 में 400 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 500। और आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि दोस्तों, परिणामी भिन्न 1 से 1/20 होता है, यानी 21/20, ये 200 से 200 कट जाएगा, 3 × 7 = 21, 5 × 5 = 20, यानी हो जाएगा x/y बराबर 7/4। दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, 4x = 7y, और आपको पता है कि जब दो निश्चित राशि आपस में बराबर के रूप में दी हुई है, तो इसको हम पलट के लिखते हैं, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7, और y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि इसलिए भिन्न बराबर
एक्स बटे वाई, और एक्स का वैल्यू दिया है 7 और वाई का वैल्यू दिया है 4, यानी 7/4 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों पाँच नंबर क्वेश्चन कर लिया जाए। पाँच नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किसी भिन्न के अंश में 15% वृद्धि यानी 115/100। 100 लिखिए चाहे ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों, यानी 115 ही रहने दीजिए। और हर में 8% कमी, तो हर में 8% की कमी यानी कितना हो जाएगा 92। और बराबर कर रहा है परिणामी 15/16, परिणामी भिन्न 15/16, 23 पाँचे और 23 चौका, इधर हो जाएगा 5 3 4 चौका, इधर बच जाएगा 1/y बराबर 3/4। जब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए तो 4x बराबर 3y। जब दो निश्चित राशि आपस में बराबर के रूप में दी हुई रहे दोस्तों, तो उसको क्या करते हैं पलट के लिखते हैं, यानी कि 3:4, इसलिए भिन्न बराबर हो जाएगा, इसलिए भिन्न बराबर 1/y, जहाँ x का वैल्यू कितना 3 और y का वैल्यू कितना 4, तो 3/4 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम आगे नेक्स्ट टाइप करेंगे। तो आइए दोस्तों देखा जाए क्वेश्चन नंबर टाइप 2 का पहला। शनि को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36 अंक, पास होने के लिए 36 अंक लाना था, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि उसने 24 अंक प्राप्त किए तथा 9 अंकों से उत्तीर्ण हो गया, यानी कि उन्होंने 24% अंक प्राप्त किए लेकिन 9 अंकों से उत्तीर्ण हो गया, यानी कि 9 अंक और ला दिया होता तो क्या हो गया होता, पास हो जाता। एक बार फिर से क्वेश्चन करते हैं। शनि को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक लाना था, यानी कि दोस्तों पास होने के लिए शनि को 36% अंक लाना था। अब आगे कह रहा है कि उसने 24% अंक प्राप्त किया, उसने 24% अंक प्राप्त किया लेकिन 9 अंकों से क्या हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि फेल हो गया, यानी कि और 9 अंक ला दिया होता तो वह क्या हो गया होता दोस्तों, पास हो गया होता। तो 36 सेम डायरेक्शन, 36% 24% सेम डायरेक्शन में घटेगा 12% ही बराबर हो जाएगा 9, और यहाँ पर 100% निकाल दीजिए तो 9/12 × 100, ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 चौका, और ये हो जाएगा 3 चौका, 3 तिहाई कट जाएगा 9 और 25 तिहाई 75। तो आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि पूर्णांक ज्ञात कीजिए, तो 75 आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों दो नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। दो नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने होते हैं। अगर आपको पास करना है तो 35% अंक आपको ले करके आना है। एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिले। चलिए एक अभ्यर्थी जो है, एक कैंडिडेट 40 अंक लेकर के आया, चलिए अच्छी बात है, तथा वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया का मतलब दोस्तों, अगर वह 30 अंक और ला दिया होता, 30 अंक और ला दिया होता तो क्या हो जाता, पास हो जाता। तो दोनों तो पास ही हैं, इसलिए दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो 35% = 70, इसलिए 100% बराबर, तो 70/35 × 100, 35 × 70 = 100, 200। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, परीक्षा का अधिकतम अंक कितने हैं, तो ये 200 अंक, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करा जाए। तो आइए तीन नंबर क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन कह रहा है किसी परीक्षा में उत्तीर्णांक 40% है। अगर आपको पास होना है तो आपको 40% अंक लेकर के आना जरूरी है, नेसेसरी है। एक विद्यार्थी ने 185 अंक लेकर के आया, एक विद्यार्थी 185 अंक लेकर आया लेकिन 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी 15 अंक और लाया होता तो वह पास हो गया होता। तो 40% बराबर हो जाएगा 200, ठीक है दोस्तों, तो 100% पर निकाल दीजिए, 200/40 × 100, 40 × 5 = 200, 100 × 5 = 500, तो ये आपका आंसर कितना है दोस्तों, 500। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लिया जाए दोस्तों, चार नंबर देख लिया जाए। चार नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लेने थे, यानी कि पास होने के लिए 40% अंक लाना जरूरी है। अब आगे क्वेश्चन में कर रहा है कि 178 अंक प्राप्त किया, चलिए 178 अंक कैंडिडेट प्राप्त किया लेकिन 22 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया, यानी 22 अंक और लाया होता तो वह क्या हो गया होता, पास हो गया होता। तो 40% इधर हो जाएगा 200 और 100%, तो 200/40 × 100, तो 40 5
200 और 100 पचे 500, तो ये आपका क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 5, तो इसको मिटाते हैं। तो आइए 5 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देख लिया जाए, ध्यान से समझिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। कोई परीक्षार्थी है पास होने के लिए 30% अंक लेके आता है, परंतु 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी कि 5 अंक और लाया होता तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। चलिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि एक अन्य विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त किया, एक अन्य विद्यार्थी जो है 40% अंक प्राप्त किया, ठीक है। आगे कह रहा है कि आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त करता है, यानी कि पास तो हुआ लेकिन पास होने से भी 10 अंक अधिक प्राप्त हुआ, तो ये भी तो क्या हो गया, पास ही हुआ ना, तो ये दोनों तो पास ही, इसलिए दोनों आपस में क्या है दोस्तों, बराबर है। समझिएगा ये हो जाएगा 30%, ये है 10%, सेम डायरेक्शन में घटेगा तो ये हो जाएगा 10%, और ये 5 और ये -10 तो जुट जाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन में 15, 10% के वैल्यू 15, इसलिए 100% पर निकाल देंगे दोस्तों, तो 15/10 × 100, तो ये हो गया आपका कितना, 150, टोटल हो गया आपका 150, ये आपका पूर्णांक हुआ, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों कि उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं, यानी कि पास होने के लिए कम से कम कितने अंक चाहिए, तो दोस्तों अंक पूछा है तो अंक निकालेंगे, चूँकि आप जानते हैं कि 10% बराबर है 15 अंक, समझिएगा 10% बराबर 15 अंक, और यहाँ पर कितना 30% है, तो 30% बनाने के लिए इसमें कितना से गुना, 3 से, तो इसमें भी 3 से, ठीक है। तो 30% बराबर कितना हो जाएगा, 30% बराबर कितना अंक दोस्तों, 45, ठीक है। तो इधर हो जाएगा आपका 30% का वैल्यू 45 अंक और 5 अंक, और यानी कम से कम उसको पास होने के लिए 50 अंक लाना जरूरी है। इधर से दोस्तों, इधर से भी दोस्तों ले सकते हैं, जैसे 10 यहाँ पर 10% बराबर कितना अंक था, 15 अंक था, है ना, और 40% बनाने के लिए इसमें 4 से गुना, तो इसमें भी 4 से, तो हो जाएगा आपका 40% का बराबर कितना अंक हो जाएगा, 40% बराबर हो जाएगा आपका 60 अंक, ठीक है। दोनों तरह से ले सकते हैं, तो 40% बराबर 60 अंक, पास होने के लिए 40% का वैल्यू रखिए, पास होने के लिए 40% का वैल्यू रखिए 60 और -10, तो यानी कि पास होने के लिए न्यूनतम कितना अंक लाना उसको जरूरी है, तो 50 अंक। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, 6 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त किए, एक परीक्षार्थी जो है 30% अंक प्राप्त किए, ठीक है दोस्तों, 30% अंक प्राप्त किए। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि तथा वो 108 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, यानी कि 108 अंक और ला दिया होता तो वह क्या हो जाता दोस्तों, पास हो जाता। चलिए आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि दूसरे परीक्षार्थी ने 52% अंक प्राप्त किए, दूसरा परीक्षार्थी जो है 52% अंक प्राप्त किए, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 24 अधिक है, अधिक का मतलब होता है अंतर, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक से कितना अधिक है, 24 अधिक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, अगर उत्तीर्ण होने से आवश्यक अंक से 24 अधिक है फिर भी, तो वो भी क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। अब दोस्तों 30% और 52% सेम डायरेक्शन में घटेगा 22%, और ये अपोजिट डायरेक्शन में जुट जाएगा 132, तो अगर पूरा पूर्णांक हम निकालेंगे दोस्तों 22% बराबर 132, 100% पूरा पूर्णांक निकालेंगे तो 22 × 100 ये होगा 6, यानी कितना आ गया पूर्णांक, टोटल हो गया 600। लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूर्णांक पूछा है नहीं, कह रहा है कि उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए, यानी पास होने के लिए कितने परसेंट अंक लाना जरूरी है, तो दोस्तों 22% बराबर 132, इसलिए 1% बराबर कितना हो जाएगा 6, कोई दिक्कत नहीं। अब आप ही मेरे को बताइए यहाँ पर है कितना 30% और यहाँ पर कितना है 1%, अब इस 1% को 30 बनाने के लिए कितना से गुना, 30 से, जब इसमें 30 से तो इसमें भी 30 से, तो हम कह सकते हैं ना दोस्तों कि 30% बराबर कितना अंक, 180 अंक, 30% बराबर कितना अंक, 180 अंक। तो यहाँ पर 30% जो आप देख रहे हैं वहाँ पर आप 180 लिखिए, आप प्लस 108 है तो 108 लिख दीजिए, अब जोड़ दीजिएगा तो 882, यानी 288 अंक आपको पास होने के लिए लाना जरूरी है,
ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देख लिया जाए। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से देखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में 30% अंक लिए, एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक लिए, 30% अंक लिए, चलिए ठीक है। अब आगे कह रहा है कि 45 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि 45 अंक और लाया होता तो वो पास हो गया होता। चलिए आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि दूसरा जो है 42% अंक प्राप्त किया, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम से 45 अंक अधिक हैं। 42% अंक आया लेकिन क्या है अधिक, अधिक का मतलब अंतर कितना, 45 है अधिक। तो पास होने से भी मतलब यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि आवश्यक न्यूनतम अंकों से 45 अंक अधिक है, यानी कि पास जो होना था उससे भी 45 अधिक है, यानी कि वो क्या हो गया, पास हो गया है। तो दोनों पास ही है इसलिए दोनों आपस में बराबर है, 30% और 42%, तो सेम डायरेक्शन में घट जाएगा दोस्तों 12% और उधर हो जाएगा 90, तो 100% पर निकाल दिया जाए तो 90 बटे में 12 गुने 100, 2500 का 300 का ये कट जाएगा आपका 30, यानी 25 30 यही 75, 750 टोटल पूर्णांक कितना का था, 750 अंक का। अब देखिए आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि पूर्णांक तथा उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंक बताइए। पूर्णांक तो हमारा निकल के आ गया दोस्तों 750, लेकिन पास होने के लिए, अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर 12% बराबर कितना अंक है, 12% बराबर 90 अंक है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि 6% बराबर कितना अंक, 45 अंक कह सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर है आपका 30% बनाने के इसमें कितना से गुना, 5 से, जब इसमें 5 से तो इसमें भी 5 से, तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि 30% बराबर कितना अंक, 225 अंक। तो यहाँ पर 30% की जगह पर लिखे 225 अंक आप प्लस जो है 45, तो यही तो कह रहा था, तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 10 4 2 270 हो जाएगा, यानी कि इतना अंक आपको पास होने के लिए लाना है और पूर्णांक जो था 750 है, ठीक है। तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसा लगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों फैमिली बेस्ट ऑफ लक, सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, टेक केयर।